कालका चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर ब्लॉक्स रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का काम शुरू होने से खुशी की लहर। कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने घटनास्थल का किया दौरा। कालका चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर ब्लॉक रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काफ़ी अरसा से सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण कार्य रुका हुआ था। रेलवे विभाग की ओर से मंजूरी न मिलने से बाईपास की प्रक्रिया रुकी हुई थी। मंगलवार को कालका हलके की पूर्व विधायक एवं भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा ने सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास निर्माण कार्य का जायजा लिया। यहां पर सुनील धीमान, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष, पार्षद सहित अन्य वर्कर भी घटनास्थल पर मौजूद थे। अम्बाला चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर पिंजौर के सूरजपुर गाँव से सुखोमाजरी गाँव नालागढ़ रोड पर इस बाईपास को खोला गया है ताकि पिंजौर शहर में हैवी व्हीकल्स की संख्या कम हो सके और रोज़ रोज़ के ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सके। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बाईपास की आधारशिला रखी थी और रेलवे मंत्रालय की मंजूरी ना मिलने से बाईपास का काम रुका हुआ था। यहाँ के बाईपास पर कालका चंडीगढ़ अम्बाला रेलवे लाइन पड़ती है। कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि यहाँ रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक्स रखने की कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल दो ब्लॉक रखे जाने हैं, एक पर कार्य जारी था। यह कार्य आगामी मार्च अप्रैल तक बाईपास का काम कंप्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्रालय का धन्यवाद किया है जिनके प्रयासों से सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो पाया है। कालका पिंजौर के लोगों में भी खुशी की लहर है कि रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया है। इस बाईपास से कालका पिंजौर सहित हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को भी काफ़ी फायदा होगा। अपने बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी का और उसके साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री ऐसे नितिन गडकरी जी का कि जिनके यहाँ आने से और जिनके लिंक रखने से ये काम शुरू हुआ था पिंजौर बाईपास बनने का और जो हमारे पिंजौर के साथ साथ हिमाचल वालों को भी हरियाणा के साथ साथ बहुत भारी ज़रूरत थी। और यदि मैं ये कहूँ कि पिंजौर कालका के लिए सबसे बड़ा काम और सबकी लीव कामों की सबसे इससे कोई बड़ा काम था ही नहीं तो वो आज फलीभूत हो गया है। और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो जयदीप जी सिंह जी जो जो इसके ठेकेदार प्रशिक्षण है उनके वो भी हैं और मैं रेलवे वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, धीरम साहब का भी, रेल मंत्री का भी, अश्विनी वैष्णव जी का के पीछे उनको भी लेटर दिया था और उनके सबके प्रयास से आज रेलवे के हमारे ब्लॉक शुरू हो गए हैं। तो ये कम से कम जो ब्लॉक रखने का है, दो ब्लॉक के एक अब रखा गया एक बाद में रखा जाएगा और फिर एक ओपन किया जाएगा फिर क्लोज किया जाएगा। इस तरह किसी भी हालत में अप्रैल तक हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा सारे ब्लॉक का सिस्टम क्योंकि पूरा रेलवे का मैटर है। और मैं दोबारा अपने मुख्यमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का और रेल मंत्री तीनों का मैं धन्यवाद करूँगा।